5-6 दिन पहले शमशान घाट में था जब, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर टूट रहा है। शमशान घाट में बहुत ज़्यादा रहना पड़ रहा था, सारा दिन किट पहन के, क्योंकि 100 से ऊपर डेड बॉडीज रोज आ रही हैं, और मोर्चरी भी जाना पड़ता था बीच में काफ़ी, क्योंकि वहाँ से डेड बॉडी को शमशान तक लेके आना, बॉडी में बहुत पेन थी। तो मुझे लगा सारा दिन किट पहनी हुई है, 6-6 घंटे पानी नहीं पी पाते, पसीना बहुत आता है पीपी किट में, तो शायद इस वजह से टूट रहा होगा। टांगें बहुत दुखनी शुरू हो गई। फिर जब लेट नाइट घर पे आया तो मुझे 100 बुखार हो गया था, तो मुझे लगा कि गर्मी की वजह से हो गया होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे एक दो दिन निकले तो मेरी चेस्ट में मुझे पेन शुरू हो गई, और ऐसा लग रहा था जैसे कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा। तो मुझे लगा कि ये सारे सिम्टम्स, बुखार, डायरिया, शरीर टूटना, चेस्ट में पेन, ये कोविड के हैं, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ। तो मैंने अपनी फैमिली से बोला सारे टेस्ट कराओ। हम सबका टेस्ट हुआ, मम्मी जी कोरोना पॉजिटिव हैं, भाई मेरा बड़ा कोरोना पॉजिटिव है, डॉक्टर्स कह रहे हैं मैं भी कोविड पॉजिटिव हूँ। और मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ है कि मुझे सारे सिम्टम्स कोविड के हैं, मुझे डायरिया भी है, फीवर भी है, मेरी चेस्ट में पेन भी है, और एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है सांस लेने के लिए, मैं अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पे हूँ। लेकिन जो मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया है उसमें ये क्लियरली नहीं आया कि कोविड है आपको। तो मैंने डॉक्टर्स से पूछा जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि टेस्ट में कुछ क्लियर नहीं आ रहा कोविड, लेकिन ऑक्सीजन मेरी डाउन जा रही है 90 से नीचे, जो मेरा SpO2 लेवल है, शरीर मेरा टूट रहा है, फीवर मुझे है, कॉफ मुझे है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, मुझे सांस लेने के लिए ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया मुझे कि आप ऑक्सीजन सपोर्ट लो, 90 से ऊपर है नीचे आपके ऑक्सीजन। तो अब मैं ऑक्सीजन सपोर्ट पे हूँ आइसोलेशन में, और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो वेव चल रही है कोविड की, इसमें कई केसेस ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं कोविड, लेकिन RT-PCR में डिटेक्ट नहीं हो रहे। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हूँ, फीवर भी है, शरीर में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने बोला है कि मुझे CT स्कैन कराने की ज़रूरत है चेस्ट का, ये देखने के लिए कि लंग्स पे कहीं इफेक्ट तो नहीं किया कोविड ने, किया है तो कितना किया है। और एक मन में डर भी है क्योंकि डॉक्टर जी सब कह रहे हैं कि ये जो वेव है, ये जो कोविड है, इसमें ऐसे ऐसे वेरिएंट्स हैं कि पता नहीं चलता, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ये पूरा लंग्स डैमेज कर देता है। ऑलरेडी हमारा आधे से ज़्यादा स्टाफ, हमारी इमरजेंसी टीम्स ICU में हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सबके लंग्स अफेक्ट हो गए हैं। तो डॉक्टर्स को मेरा भी शक है, तो देखते हैं अब CT स्कैन होगा क्या उसमें आता है। उन जवान डेड बॉडीज़ की, लाशों की सेवा निभाई है, अंतिम संस्कार किया अपने हाथों से, कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा डर है बस। फादर साहब मेरे, शंटी जी, वो लकीली नेगेटिव हैं, क्योंकि हम अलग फ्लोर्स पे रहते हैं एज अ प्रिकॉशन, ताकि अगर एक पॉजिटिव हो जाए तो दूसरे को इन्फेक्ट ना हो जाए, ये सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो फादर साहब फील्ड पर ही हैं, शमशान घाट, एम्बुलेंसेस, पूरी सेवा देख रहे हैं। जो टीम्स हमारी अभी हेल्दी हैं और वॉलंटियर्स हैं, वो सेवा निभा रहे हैं।
हमारी आधे से ज़्यादा टीम्स कोविड पॉजिटिव हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। मेरी फैमिली अब कोविड पॉजिटिव है, लेकिन सेवा हमारी नहीं रुकी है ना रुकेगी, क्योंकि फादर साहब लकीली नेगेटिव निकले हैं, वो सेवा निभा रहे हैं फील्ड पर। मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा, आप अरदास करें कि मैं, मेरी सारी टीम्स, हम जल्दी रिकवर कर जाएं, ठीक हो जाएं और वापस फील्ड में आके सेवा निभाएं। पिछले साल भी जब मैं और मेरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गए थे तो आप लोगों ने बड़ी अरदासें, बड़ी दुआएं की थी और हम सारे कोविड को हरा कर आए थे। तब से ही हम सेवा निभा रहे हैं और आज मुझे अफसोस हो रहा है कि चूँकि मेरी हेल्थ अफेक्ट हो गई है, मैं नहीं जा पा रहा फील्ड में। दुआ कीजिएगा, अरदास कीजिएगा कि मैं और मेरी टीम्स, वॉलंटियर्स सब जल्दी ठीक हो जाएं और फिर से सेवा में लौटें, क्योंकि इस समय लोगों को बहुत ज़रूरत है सेवा की। दिल्ली में हालात बहुत ख़राब हैं और लोगों को हमारी सेवा की ज़रूरत है, एम्बुलेंसों की ज़रूरत है, डेड बॉडीज़ के लिए सेवा की ज़रूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बस आप अरदास करें कि हम जल्दी ठीक होकर फील्ड में लौटें और उन लोगों तक सेवा और बढ़ चढ़ के पहुँचा सकें जिन्हें सेवा की ज़रूरत है। मेरा आपसे वादा है कि जैसे सेवा निभाता आया था वैसी सेवा निभाऊंगा। भारत माता की जय।